ऐसा क्या हुआ है जो इतनी खुश लग रही है? वो अपने बेटे के साथ है, मुराद से भी पैचअप हो गया है, और क्या। वैसे भी माँ कुछ वक्त से कितना कुछ बुराई घट रहा है हमारे साथ। लेकिन मामला इन्होंने सुलझाया कैसे? मुराद ने देरिया को कॉल किया, उन्होंने मिलकर आपस में बात की। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ बेटा, जितना मुराद को मैं जानती हूँ, अगर वो सही होगा तो पीछे नहीं हटेगा। देरिया भी इतनी खुश लग रही है, मुझे नहीं लगता ये मुराद के साथ पैचअप होने की खुशी है उसकी। मुझे नहीं जानना उनके बीच क्या हुआ, मैं तो बस रिजल्ट से खुश हूँ। कितना अच्छा लगता है जब हर कोई खुश रहता है। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा। ज्यादा सोचो मत माँ, बस खुश रहो। आगे आगे। हाँ सिर्फ मैं हूँ, और कितना डिलीशियस है ये। कोई इसे खाए बिना रह ही नहीं सकता। पिछले दो दिनों से मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही हो तुम। वैसे बताओगी क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग? हम फ्यूचर में आने वाले दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं टुआल। हम बहुत कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, बर्थडेज, एंगेजमेंट, शादी। बस देखती जाओ। मुबारक हो, पर पुराने ख्यालों से जरा बाहर आ जाओ, लोगों को अकेला छोड़ दो। वैसे भी तुम यंग हो, खूबसूरत हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा और तुम उससे शादी कर लेना। मैं ये सब करने वाली हूँ मुराद के साथ, सच में। तुम अभी भी वही बकवास कर रही हो। ख्यालों से बाहर आओ दीदेम, ऐसा नहीं होने वाला। अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, जिंदगी सरप्राइजेस से भरी हुई है। जिंदगी नहीं, पर मैं फुल ऑफ सरप्राइजेस हूँ टुवाल मैडम। क्या प्रॉब्लम है इसकी? पता नहीं ठीक से चल क्यों नहीं रहा है। तुम बेवजह से कोस रही हो, इसकी कोई गलती नहीं। तुमने इसका कवर ही नहीं लगाया। बताने के लिए थैंक यू। लगता है गोलियों का असर अभी तक उतरा नहीं। सुबह सुबह ये क्या करने बैठ गई? मैंने सारा सामान रखा, डिशेस धोकर रख दी, और जाने से पहले मैं सोच रही थी आपके लिए कुछ हेल्दी बना दूं। तो किस लिए? किस लिए मतलब? आपके नाश्ते के लिए। वो नहीं, लेकिन तुम कहीं जा रही हो? घर जा रही हूँ। नहीं जाऊं क्या? हाँ जरूर जाओ। मुझे लगा तुम्हारे जाने से पहले हम साथ में ब्रेकफास्ट। ठीक है, करते हैं ना, करेंगे ब्रेकफास्ट। इपेक। इपेक। हाँ। तुम पिछले दो घंटे से ऐसी ही पड़ी हो, प्लीज उठो इपेक, मेरी बात सुनो। देखो मैं एक केक बनाकर लेकर आई हूँ, कम से कम टेस्ट तो कर लो इसे। मुझे नहीं चाहिए असल, मुझे बस ऐसे ही रहने दो। सर पर चढ़कर क्यों बैठी हो?
तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ नहीं आओगे, तुमने प्रॉमिस किया था। मैंने सारी जानकारी निकाल ली है, आंटियां घर पर नहीं है, मुझे पता है। आसल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैंने ये इन्फॉर्मेशन जरूर लीक की है, पर मेरा इसके पीछे का मकसद बहुत अच्छा था। इपैक, तुम अच्छा महसूस करती हो जब तुम कैरम से मिलती हो, तुम्हारे अंदर अच्छा बदलाव आता है। ऐसा है? देखो, मैं नहीं जानती तुम दोनों ने मिलकर क्या खिचड़ी पकाई है मेरे पीछे, पर मेरा मूड अच्छा नहीं है कैरम। कोई ड्रामा मत करना और मुझसे पंगा मत लेना। हाँ ठीक है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, ताकि तुम मुझे जी भर के पीटो और अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दो। अब चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ पर? मैं कहीं नहीं आने वाली। तुमसे पूछा नहीं है, चलने के लिए कहा है। क्या कर रहे हो? क्या उतारो? असला, ये मुझे मार डाले, उससे पहले हम चलते हैं। हाँ, जो जीजा जी बोले। Help me! ये मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। देख, हम जल्दी से लड़ाइयाँ भी करेंगे, घबराओ मत। काटो मत। असला, क्या ये हमेशा काटती रहती है क्या? कैसी गर्लफ्रेंड मिली है? सही दिन चुना था तुमने लिफ्ट में फंसने के लिए। अपनी खुशी से थोड़ी फंसी थी मैं। मुझे याद नहीं आखिरी बार छुट्टी पर कब गया था। अजमेर ट्रिप भी कैंसिल। उसके लिए माफी चाहती हूँ, पर आप हमेशा छुट्टी पर जा सकते हैं, आप कंपनी के बॉस हैं। ऐसा नहीं है, आज सैटरडे और दोपहर भी हो चुके हैं, सिर्फ रात के लिए जाके आने का क्या फायदा? तो रुक जाइए भाई, मुझे मंडे काम भी है। आप चीजें कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है हम वीकेंड पर कुछ कर सकते हैं। जैसे कि क्या? पूल में स्विमिंग? मैं स्विमिंग करना नहीं जानती हूँ। आप स्विमिंग करना और मैं देखूंगी आपको। मैं सिखा दूंगा। मैं स्विमिंग करने में कुछ ज्यादा ही खराब हूँ, इससे तो अच्छा है मैं यहाँ नाश्ता खत्म करके निकल जाऊँ। मुझे लगता है जिसे स्विमिंग नहीं आती उसे जिंदगी जीना ही नहीं आता। क्या आप मुझे चैलेंज कर रहे हो? जी नहीं, मैं अपने एम्प्लॉयज को चैलेंज नहीं करता। अच्छा, मतलब मैं एम्प्लॉय नहीं होती तो चैलेंज करते। क्या कहा था आपने? हर शर्त की कीमत होती है, राइट? अच्छा हाँ, अगर कोई बुरी तरह से हार जाए तो राइट। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे हारने के बाद भी कुछ लिए बिना ही चला जाऊंगा। तुम सही हो। इस बार सवाल पूछने की बारी मेरी। तो पूछो। Thank you.